श्री राम और लक्ष्मण ने अपने शत्रु रावण के चरण क्यों छुए थे? जब श्री राम और रावण का युद्ध शुरू होने वाला था, तब श्री राम ने कहा था कि मैं युद्ध शुरू करने से पहले लंका विजय के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे एक महापंडित चाहिए जो शैव अर्थात मेरी तरह वैष्णव होना चाहिए। तो जामवंत ने कहा, प्रभु, युद्ध भूमि में ऐसा महापंडित मिलना असंभव है, परंतु मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो शिव भक्त भी है और आपकी ही तरह वैष्णव भी है, लेकिन वह आपका पुरोहित बनेगा नहीं। तो श्री राम ने पंडित का नाम पूछा। जामवंत ने कहा, उसका नाम रावण है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद श्री राम ने कहा, आप लंका जाइए और रावण से कहिए क्या वह मेरे पुरोहित बनेंगे। तब जामवंत लंका रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे महापंडित रावण, मेरे साथ दो लोग हैं जो आपसे यज्ञ करवाना चाहते हैं, क्या आप उनका पुरोहित होना स्वीकार करोगे। तो रावण ने बिना हाँ ना कहे पूछे, आप अयोध्या से निर्वासित राजकुमारों की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो जामवंत ने कहा, हाँ। फिर रावण ने एक प्रश्न किया, क्या यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है। तो जामवंत ने कहा, हाँ, इसके बाद भी आप उनके पुरोहित बनेंगे। तो रावण ने कहा कि किसी पंडित के दरवाजे पर कोई यज्ञ करने के लिए आमंत्रित करे तो उसे एक पंडित कैसे अस्वीकृत कर सकता है। आप उनसे कहिए मैं उनका पुरोहित बनने को तैयार हूँ। तब रावण नव ग्रहों को बुलाता है और उनसे यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकालने को कहा। और रावण ने जामवंत से कहा कि अगले दिन सुबह 5 बजे का मुहूर्त है, अपने स्वामी को भी बता दीजिए। रावण ने जवाब दिया कि हमारे यजमान तो वनवासी हैं, उनके पास पूजा की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो पुरोहित का कर्तव्य है कि पूजा की पूरी सामग्री अपने पास से ले जाएं, क्योंकि रावण यह जानता था कि राम विवाहित हैं और विवाहित पुरुष के बगल में उसकी स्त्री ना बैठे तो पूजा अपूर्ण मानी जाती है और मैं अपूर्ण पूजा नहीं कर सकता। इसके बाद जामवंत चले गए और रावण अशोक वाटिका में सीता के पास गया और सीता से कहा कि तुम्हारा पति एक यज्ञ करने वाला है जिसमें मैं उसका पुरोहित हूँ। कल मेघनाथ सुबह रथ लेकर आएगा, तुम उसके साथ रथ पर बैठ जाना और यज्ञ स्थल पर चली आना, और यज्ञ खत्म हो जाने के बाद लंका वापस चली आना। इसके बाद रावण सुबह यज्ञ स्थल पर पहुंचा तो राम और लक्ष्मण ने अपने पुरोहित के पैर छुए और रावण ने आशीर्वाद दिया। रावण ने यज्ञ शुरू होने से पहले राम से पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। राम ने कहा कि पुरोहित जी उनका हरण हो गया है। तब रावण ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर मेरे यजमान के यज्ञ में पूजन की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो पुरोहित का कर्तव्य है कि उसको उपलब्ध कराए। तब उसने मेघनाथ से कहा कि पुत्र सीता को राम के बगल में बैठा दो। सीता को उनके बगल में बैठा कर रावण ने यज्ञ को पूर्ण किया और एक शिवलिंग की स्थापना की और नाम रखा रामेश्वर अर्थात राम ही ईश्वर, ईश्वरी राम। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राम ने रावण से कहा कि पुरोहित जी दक्षिणा तो बताओ कि आप क्या लेंगे। तो रावण ने कहा कि यजमान समय आने पर ले लूंगा। राम ने कहा, ठीक है आचार्य, परंतु बता तो दीजिए आपको क्या चाहिए। तब पता नहीं मैं उस समय आपको दक्षिणा देने की स्थिति में रहूं या नहीं। तब रावण ने राम से कहा, यजमान मुझे दक्षिणा में बस यही चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो तब तुम दोनों भाई मेरे सामने हो। यह सुनकर राम की आंखें भर में और दोनों भाई रावण के पैर छूकर बोले कि ऐसा ही होगा आचार्य। तमिल भाषा में लिखी महर्षि कम्बन की रामायण ए रामावतारम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदासकृत रामचरितमानस में नहीं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के इत्र भी रामायण हमें रामावतारम अद्भुत रामायण और आनंद रामायण में मिलता है।